हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और ये 8 7 6 5 4 3 2 1 और शुरू हो गई गिनती। आकाशवाणी चुके हैं, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। सीधे रुक करते हैं पंकज झा का। पंकज, गिनती शुरू। जी हाँ रोमाना, बिहार में 38 जिले हैं, 55 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और उस सभी पर 8 बजते ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है। अभी ईवीएम से नहीं बल्कि जो पोस्टल बैलेट हैं उन पर उनकी गिनती शुरू हुई है पहले। और पटना के एन कॉलेज में भी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और इसके शुरुआती रुझान थोड़ी ही देर में मिलने लगेंगे। 8 बज गए हैं, वोटों की गिनती चल रही है, पोस्टल बैलेट पहले गिने जा रहे हैं। दरभंगा चलते हैं अजय दुबे के पास। अजय, गिनती शुरू हुई और जो गिनती की शुरुआत हो चुकी है। दरभंगा में मैं मौजूद हूँ और बाजार समिति का जो ये मतगणना केंद्र है यहाँ शुरुआत हो गई है। और यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो 10 विधानसभा सीटें हैं उसमें जितने भी प्राइमरी सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं, सबकी जो मतगणना है उसकी शुरुआत 8 बजने के समय यहाँ पर शुरू हो गई है। अंजलि हमारे साथ हैं, जानते हैं अंजलि से। अंजलि, गिनती शुरू हुई? देखिए अभी गिनती नहीं शुरू हुई है लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है मुजफ्फरपुर से अंजलि का। बस गिनती शुरू होने ही वाली है। 243 सीटें, 55 काउंटिंग सेंटर्स, 38 जिले हैं और कुल 55 काउंटिंग सेंटर्स बनाए हैं। लेकिन शुरुआत में पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। थोड़ी देर में आपके सामने पहला रुझान होगा। पोस्टल बैलेट के बारे में बता दें कि इस बार करीब 2 लाख के आसपास पोस्टल बैलेट हैं। आजादिका के पास लेकर चलते हैं जल्दी से। पूर्णिया से हमारे साथ मौजूद है आजादिका, गिनती शुरू? जी बिल्कुल रोमाना, आपको बताएं कि गिनती जो है जस्ट अब शुरू होने वाली है। अनाउंसमेंट यहां पर हो चुकी है, गिनती किसी भी वक्त अब शुरू हो जाएगी। 8 बजे का वक्त भी आ गया था और 8 बज गए हैं, तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यहां पर कौन जीतता है। आपको बताएं रोमाना, क्योंकि जो पूर्णिया की सीट है यहाँ पर बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है। 2000 से पूर्णिया की सीट बीजेपी ही जीतता रहा है और एमएलए फिलहाल जो है सिटिंग एमएलए विजय कुमार खेमका उनको फिर और बिहार चुनाव में सबसे पहला रुझान आ चुका है। जी।